एनजी फैमिली ऑफ सोया विलंगोट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी रोडा। सो अभी हमारे सामने खड़ी है ब्लू कलर की रॉनिन और बाहर खड़ी है एक ग्रे कलर की रॉनिन। तो वो टॉप मॉडल है और ये सेकंड टॉप मॉडल है। बिना टाइम वेस्ट करे तो आपको सबसे पहले भाई रॉनिन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, पर मुझे जो फील हुआ है ना वो ये हुआ है कि कुछ लोग रॉनिन को भाई इतना जानते ही नहीं है कि कौन सी गाड़ी क्या गाड़ी है। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊँ ना इसकी बाइक के बारे में तो पहले सबसे पहले बात करेंगे हम लुक्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा मसल वाला लुक जो होता है वो इसी बाइक में मैंने अभी तक देखा। ये तो मतलब क्रूज़र टाइप बाइक है और इतना बढ़िया भाई स्मूथनेस है इस बाइक में, क्योंकि ये बाइक मैंने भी चलाई है और इतनी ज़्यादा स्मूथ है, इतना अच्छा पिकअप है। ऐसा भी नहीं है कि पिकअप नहीं है भाई, अच्छा खासा पिकअप है भाई। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इसमें KTM में अगर 30 Nm का अगर आता है, सॉरी 29 Nm का टॉर्क आता है, तो इसमें मेरे ख्याल से 26 के आसपास तो होगा, 26 या 27 के आसपास तो इसमें टॉर्क होगा, क्योंकि अभी मैंने इसके स्पेक्स नहीं पढ़े हैं, रॉ मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी हम आपको सारी चीज़ें आपको इसको दिखाएंगे, इसके एग्जॉस्ट नोट अभी आपको सुनाएंगे, और सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो आपको दिखाते हैं इसकी हेडलाइट। तो सबसे पहले इसकी की लेके ही आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताते हैं। तो ये रही रॉनिन की चाबी, देख सकते हो सामने टी बना हुआ है बहुत प्यारा सा और सेम लोगो बना है बाइक की हेडलाइट में। सो अभी हम करते हैं इसको स्टार्ट, और वो जो बाहर खड़ी है वो है ब्लूटूथ वर्जन, ये है नॉन ब्लूटूथ वर्जन। तो सॉरी बिल्कुल नई गाड़ी है भाई, और ये गाड़ी भी हमारे जानने वाले के पास ही जा रही है। सो ये देख सकते हैं भाई, ये कुछ गाड़ी लाए थे तो ये तब की रीडिंग है। और अभी एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं आपको इस बाइक का। इग्निशन कर दिया है हमने ऑन, और अभी अर्बन मोड पर है। यहाँ पे आपका मोड बटन आ जाता है और यहाँ पे आपका सेट बटन आ जाता है। तो अभी आपको इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं फटाक से। तो ये थे कुछ एग्जॉस्ट नोट, और ये कलर मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। वो टॉप मॉडल वाले कलर्स के बाद ये कलर मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगा है। और इसके जो बीच में आपको ये स्ट्रिपिंग दी गई है ना, ग्रे मेटेलिक सिल्वर और रेड की स्ट्रिप, वो बहुत ज़्यादा सूट कर रही है बाइक पर। मैं सोचता हूँ कि अगर यही कलर यहाँ पर भी होता तो बहुत बढ़िया लगता। वैसे इसके जो अलॉय हैं वो 17 इंचेस के आते हैं, जो सभी बाइकों में आपको सेम ही देखने को मिलता है। बाकी इसमें आपको सिंगल हॉर्न दिया है, क्योंकि मैं हॉर्न इसका ज़्यादा इतना खास नहीं लगा पर। और इसकी जो बढ़िया बात है वो है इसकी ये इंडिकेटर लाइट्स। सो इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर्स में मिलता है आपको फुल्ली डिजिटल इंडिकेटर मिलते हैं, DRL मिलती है बहुत ही बढ़िया वाली। और बात करें इसके कुछ इसकी मीटर कंसोल की, तो इसमें आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, सारी चीज़ें इसमें आपको डिजिटल मिलने वाली है। और एक छोटी सी स्क्रीन दी जाती है, एक मीटर, बहुत छोटा सा क्यूट सा मीटर है। इसका बॉडी टाइप है जो कैफे रेसर बॉडी टाइप है और क्रूज़र बाइक है ये। साथ में आपको USD सस्पेंशन मिल जाते हैं, ये सेकेंड टॉप मॉडल है। और इसके जो नीचे वाला मॉडल आता है उसमें आपको मतलब गोल्डन कलर के USD नहीं मिलती है, नॉर्मल जो आपके ब्लैक कलर में आते हैं वो मिलते हैं, जैसा आपने मेरी ड्यूक में भी देखा था सेम उसी टाइप से। सो ये था गाइस कुछ आज का रॉनिन का रिव्यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रॉनिन का कंपैरिजन वीडियो भी लाऊं ड्यूक के साथ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना, तो मैं ज़रूर ड्यूक के साथ भी ड्यूक 250 वर्सेस रॉनिन 225 लाऊंगा। और हालांकि बॉडी टाइप दोनों का अलग अलग है, दोनों का टॉर्क और पावर अलग अलग है, बट नो मैटर, वो भी 225 cc है, अपनी भी 250 cc है, तो ज़रूर कंपेयर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी एमजी प्रोडक्ट।